No one can tell me. Nobody knows where the wind comes from, where the wind goes. It's flying from somewhere as fast as it can. I couldn't keep up with it, not if I ran. But if I stopped holding the string of my kite, it would blow with the wind for a day and a night. And then when I found it, wherever it blew, I should know that the wind had been going there too. So then I could tell them where the wind goes, but where the wind comes from, nobody knows. चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट. विंड ऑन द हिल एंड दिस पोएम इज रिटन बाय ए मिलन. इन दिस पोएम अ चाइल्ड इज देयर एंड द चाइल्ड इज क्यूरियस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द विंड. उसको ये जानना है कि विंड कहाँ से आती है और कहाँ पर जाती है. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम. No one can tell me, nobody knows where the wind comes from, where the wind goes. जो child है उसको कोई नहीं बता पा रहा है कि wind कहाँ से आती है और कहाँ पर चली जाती है. It's flying from somewhere as fast as it can. I couldn't keep up with it, not if I ran. और ये कहीं से उड़ती हुई आ रही है. जितनी तेज़ी से ये उड़ सकती है, बह सकती है हवा, उतनी तेज़ी से आ रही है. But I couldn't keep up with it, not if I ran. अगर मैं भागूँ भी तो भी मैं इस हवा के साथ बराबरी नहीं कर सकता, यानी इसको पकड़ नहीं सकता, इसके साथ नहीं चल सकता. और हवा इतनी फास्ट है कि उससे आगे निकल जाती है. But if I stopped holding the string of my kite, it would blow with the wind for a day and a night. और अगर मैं अपनी पतंग की स्ट्रिंग को छोड़ दूं, तो ये क्या करेगी, ये दिन रात हवा में उड़ती रहेगी. ठीक है. एंड व्हेन आई फाउंड इट वेर एवर इट ब्लू आई शुड नो दैट द विंड हैड बीन गोइंग देयर टू. और जब उसको उसकी पतंग मिलेगी जहाँ पर भी वो हवा के साथ बहकर गई है, तो बच्चे को पता चल जाएगा कि हवा यहाँ से होकर आगे गई है. राइट. सो वो पोइट क्या बोल रहा है, आई शुड नो दैट द विंड हैड बीन गोइंग देयर टू. तो उसे यानी विंड के जाने का तो डायरेक्शन पता चल ही जाएगा. नाउ इन लास्ट स्टैंजा पोएट इज सेइंग, सो देन आई कुड टेल देम वेयर द विंड गोज बट वेयर द विंड कम्स फ्रॉम नोबडी नोज. जब उसको ये पता चल जाएगा कि विंड यहाँ तक आई है और यहाँ से आगे गई है, क्योंकि उसको उसकी पतंग मिल गई है, तो उसको ये तो पता चल जाएगा कि विंड कहाँ पर गई है. लेकिन अभी भी उसके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि विंड आई कहाँ से. Nobody knows. अभी तक उसको उसका आंसर नहीं पता है. तो फाइनली वो इस कंक्लूजन पे निकला है कि उसको विंड के जाने का तो डायरेक्शन पता चल गया है, लेकिन विंड आती कहाँ से है अभी तक चाइल्ड को वो नहीं पता चला है.